हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारा इस फ्रीजर बॉक्स के ऊपर। एक्चुअली इसमें चाकू से होल हो गया है, छोटा होल हो गया है, तो उसे बिना फ्रीजर बॉक्स चेंज हुए उसे किस तरह से रिपेयर करना है, ब्रीजिंग करना है, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं आपको, ये हमारे पास एक फ्रीजर बॉक्स है, तो आपको पहले इसको फ्रिज में से निकाल देना है। और यहाँ पर एक माइनर सा छेद हुआ है यहाँ पर, इधर देख सकते हैं, दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे है। तो इसे पहले टेस्ट करते हैं लीक किधर से है। तो ये फ्रीजर बॉक्स का सेक्शन लाइन है, तो इसमें हम पहले एक कपलर लगाएंगे, ये क्विक कपलर होता है। अगर आपको इस तरह का कपलर चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इसको पहले फिट कर देते हैं, इसमें वॉशर होता है, जिसमें पहले थोड़ा एयर भरेंगे सो दैट मालूम पड़ेगा ये लीक कहाँ से है एग्जैक्ट। ये टाइट कर देना अच्छी तरह से, अब ये लीक नहीं होगा, ठीक है, ये टाइट होगा। अरे कैपिलरी का दूसरा एंड है हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा दबा देंगे, आप कोई भी चीज़ से दबा सकते हैं, कटिंग से कुछ भी, यहाँ से हवा नहीं निकलेगी। अब हमें इसमें प्रेशर डालना है, देख सकते हैं किस तरह से बंद हुआ है, ठीक है। तो इसमें एयर भरते हैं, ये मेरे पास एक कंप्रेसर भी है यहाँ पे, तो इसमें एयर भरूँगा। ये चार्जिंग लाइन भी है, गेज भी है मेरे पास, ये मैं डिस्चार्ज का लाइन लगा रहा हूँ, ये गेज है। और इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं भरेंगे हम, सिर्फ 70-80 के करीब, 90 लास्ट, ज़्यादा नहीं भरना है नहीं तो बेंड हो जाएगा। तो मैं कंप्रेसर अभी ऑन कर रहा हूँ, दे सकते हैं प्रेशर, ज़्यादा नहीं डालना है, इसी बीच हम लीक भी चेक करेंगे, देख सकते हैं लीक हो रहा है, यहाँ से मुंह पे मार रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं, मैं बंद कर देता हूँ कंप्रेसर। उससे पहले हम अच्छे कपड़े से पहले पहुँच लेते हैं, इसमें पानी है, सूखा कपड़े से, और इसे हम ये मोटा सैंड पेपर से पहले घसेंगे इसको, फिर ये पतले वाले से 220 नंबर से। तो इसको पेंट को पहले साफ़ कर लेते हैं, पेंट साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका ब्रीजिंग है एल्यूमिनियम नहीं पकड़ेगा। तो एक बार थोड़ा ये मोटा पेपर से घस देंगे, इससे क्या होगा कि थोड़ा ग्रूव बनेगा उसमें मोटा मोटा, तो जो एल्यूमिनियम का जो रॉड रहेगा वो सही मेल्ट होएगा ग्रूव में। एकदम चिकना नहीं रखना है इसे, थोड़ा रफ रखना है, ठीक है। हमारे पास एक थिनर है, अभी थिनर से थोड़ा साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये छेद में से ऑयल निकलता है ना, तो फिर वो क्लीन करना चाहिए इसे पूरा, नहीं तो फिर ब्रीजिंग पकड़ेगा नहीं ऑयल रहेगा तो। अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे, एकदम ऑयल फ्री रखना है इसे, कोई चिकनाई नहीं रहनी चाहिए। इसको फिर साफ़ कर देंगे, और एक कम से कम एक 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ये थिनर उड़ जाएगा। आप पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, जो भी आपको बस हो रहेगा। तो इसे हम लोग एक 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो इसे 5 मिनट हो गए सूख के, अब इसे हम ब्रीजिंग करना शुरू करेंगे। ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम का रॉड है,
ब्रेजिंग रॉड, और इसमें फ्लक्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये इसमें बिल्ट इन फ्लक्स होता है, ये कैपिलरी की तरह होता है, इसके अंदर फ्लक्स भरते हैं, फैक्ट्री से आता है ऐसी। तो पहले इसे हम गर्म करेंगे, और इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है पूरा, और स्लोली इसमें छोड़ देना है, हो जाएगा। ये मेरे पास छोटा बर्नर है, इसे करेंगे। होगा है ब्रीजिंग, थोड़ा ब्रीजिंग करते समय ये थोड़ा जलेगा, इसका कोई टेंशन नहीं, काला काला होगा, तो नीचे भी होगा काला, देख सकते हैं इसके अंदर, तो इसका टेंशन नहीं, बाद में हम इसको धो देंगे अच्छी तरह से, ये ठंडा होने देंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, और फिर इसका लीक टेस्ट करते हैं। तो ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे पूरा क्लीन करेंगे, तो किस तरह से देख सकते हैं आप, तो जो क्लीन करने के बाद आपको बताएंगे किस तरह से ये दिखता है। और ये जो एल्युमिनियम रॉड है, ये आपको कहीं भी शॉप में मिल जाएगा, स्पेयर शॉप में 50-60 रुपए। तो इसको क्लीन करते हैं, पहले क्लीन करने से पहले एक बार प्रेशर डाल के देख लेते हैं। तो एक बार मैं कंप्रेसर ऑन करता हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है, बाप लीक एकदम बराबर हो गया है, कहीं से लीक नहीं है, ठीक हो गया है। चलिए इसको अब क्लीन कर देते हैं, लीक है नहीं कहीं। इसको थिनर से फिर से साफ़ करेंगे, तो कालापन पूरा निकल जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी है, इसलिए ये तो निकलेगा नहीं, ये जला हुआ है। ये देख सकते हैं किस तरह से हुआ ब्रेजिंग, तो अंदर का साइड भी क्लीन कर देते हैं इसका, यहाँ भी काला होगा। क्लीन हो गया है, चलिए इसको पेंट करना शुरू करते हैं, अभी तो नीट दिखेगा। तो मेरे पास एक स्प्रे पेंट का बॉटल है, एब्रो कंपनी का है, ये ऑनलाइन पे मिल जाता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको पहले हिलाना पड़ता है थोड़ी देर, एक्चुअली ब्रश से मारने से क्या होता है कि फिनिशिंग सही नहीं आती, तो हमेशा स्प्रे यूज़ करें।
एकदम नहीं करना है, दो कोट में कवर होगा, ये सूखने के लिए छोड़ देंगे हम इसे, और अंदर की साइड भी करेंगे, अंदर की तरफ भी मार देंगे पेंट, काला हुआ है। इसे 5 मिनट छोड़ देंगे, फिर सेकंड कोट में कवर होगा। तो पेंटिंग हो गया है, ये देख सकते हैं बॉक्स किस तरह से दिख रहा है। अभी पेंट और एक कोट करना है, वो मैं बाद में कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, और आज आपने देखा होगा हमने किस तरह से इस बॉक्स को रिपेयर किया है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और बॉक्स को ज़्यादा गर्म करना नहीं, ज़्यादा करोगे तो होगा नहीं, पहले बॉक्स को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर आपको एल्यूमिनियम रॉड पर लगाना है। तो फिर आज के लिए इतना ही है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी नई वीडियोस की। और जिसको किसी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।